हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप केवल मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें जो है सो कोचिंग का मास्टर का दिमाग क्या हो गया था दोस्तों, खराब हो गया था। ये तो क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसको पहेलिया कहिए। देखिए, एक बार डायरेक्टर सर जो है सो ढेर सारे टीचर से जो है सो मतलब टेस्ट लिए कि किसका पहेलिया जो है सो सबसे ज्यादा, किसका दिमाग सबसे ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वो टेस्ट क्या लिया था, तो वो 17 अंडा लाया और बोला ये 3 विद्यार्थी में जो है सो आपको बांटना है। जिस प्रकार मैं आपको जो है सो बोलूंगा ना, आपको सेम उसी प्रकार जो है सो बांटना है। तो कैसे बांटना है, जैसे मैं देखिए, आप डायरेक्टर सर बोले दोस्तों कि जैसे 789 का विद्यार्थी है तो 17 अंडा है, टोटल कितना अंडा है आप याद रखिए दोस्तों, कितना अंडा है, 17 अंडा है। तो 17 अंडा है ना, तो 9th वाले को आपको 17 अंडा का 1/2 भाग देना है, 8th वाले स्टूडेंट को 1/3 भाग देना है, याद रखिए दोस्तों कितना, 1/3 भाग देना है, और 7th वाले बच्चे को आपको 1/9 भाग देना है। देख लीजिए दोस्तों, इस का डायरेक्टर सर बोला कि देखिए 17 अंडा है, आपको 3 विद्यार्थी में बांटना है। पहला को जैसे 9th वाले को 1/2 भाग देना है, 8th वाले को 1/3 भाग देना है, और 7th वाले को 1/9 भाग देना है। देखिए आप किस प्रकार जो है सो बांटोगे। तो देखिए दोस्तों, कोचिंग का मास्टर का दिमाग कैसे नहीं खराब हो जाएगा, केवल 17 अंडा है कैसे बांटेगा दोस्तों। और तो मतलब एक टीचर, बहुत सारे टीचर वहां पे बोला कि आराम से जो है सो बांटा, मतलब आराम से बांट सकते हैं, आराम से अंडे को क्या कर लेंगे, उबाल लेंगे और जाके बाद में आधा आधा कर देंगे, या सब्जी बना के जो है सो उसको आधे आधे कर देंगे। लेकिन सर बोला नहीं, आपको नहीं उबालना है, नहीं सब्जी बनाना है, आपको बांटना है तो कच्चा ही बांटना है। आप कैसे बांटोगे, देखिए दोस्तों, बहुत ही सोचने वाला है क्वेश्चन, बहुत ही दिमागी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप दिमाग लगाओगे इसके बाद ही आप जो है सो बांट सकते हो, नहीं तो आप नहीं बांट सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं किस प्रकार बांटा था। तो देखिए दोस्तों, सर तो पहले ही बोल दिया था कि नहीं आपको सब्जी बनाना है, नहीं उसको उबालना है, केवल आपको कच्चे ही जो है सो 3 विद्यार्थी में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मान के चलिए, अगर जैसे 9th वाले विद्यार्थी को 1/2 जो बोला है, तो 17 का 1/2 करेंगे, 17 का 1/2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मतलब 17/2 आई तो दशमलव में निकल जाएगा ना दोस्तों, कितना निकल जाएगा आपको, 2 8 16 2 5 जा मतलब 2 5 10 मतलब 8.5, देखिए इतना निकल गया, तो दशमलव में आ गया। तो क्या आप अंडे को जो है सो आधा करोगे, तो अगर जब भी दोस्तों अगर अंडा को अगर आप आधा करोगे तो अंडा आपका क्या हो जाएगा, तो उसी समय में खराब हो जाएगा ना। लेकिन क्या बोले थे दोस्तों कि आपको कच्चे अंडे को जो है सो ये 3 विद्यार्थी में जो है सो बांटना है, जिस प्रकार मैं आपको बोला। तो आप बताइए दोस्तों, ये तो दशमलव में आ जाता है, तो आप कैसे जो है सो क्या करोगे दोस्तों, बांटोगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं एक दिमाग लगाया, बहुत ही इजी है, अगर आपसे अगर क्वेश्चन अगर इस तरह का अगर पूछ दे तो आप कैसे बनाओगे। तो देखिए दोस्तों, वो 17 अंडा लाया था ना, तो हम क्या किए दोस्तों, तो जल्दी गए और एक अंडा और खरीद लिए, एक अंडा दोस्तों खरीद लिया, और उससे जो है सो बोले, सर से बोले कि मैं अगर इसमें एक अंडा जो है सो और अगर मिला दूंगा तो आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना। तो कहा कि आपत्ति कैसे नहीं होगा, अगर आप एक अंडा और अगर आप मिला देते हो तो जैसे 1/2 है ना, तो 1/2 का 18 जो है सो कर सकते हैं आप, तुरंत जो है सो बांट दीजिएगा, क्योंकि 1/18 का 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, तो 9 निकल जाता है। तो इस प्रकार जो है सो डायरेक्टर सर बोला कि आप तुरंत कर लोगे, वो बोले कि आप एक अंडा क्यों देते हो, आप केवल 17 ही ठो अंडा है, उसी में से आपको क्या करना है, बांटना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। तो उसको हम बोले दोस्तों कि कुछ ही समय के लिए मैं एक अंडा आपको देता हूं, कुछ ही समय के लिए एक अंडा मैं आपको देता हूं, अब फिर जो है सो ये अंडा मैं क्या कर लूंगा, वापस ले लूंगा। तो कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, तो मैं उसको बोला कि हो सकता है, तो देखते रहिए, मैं अपना अंडा जो है सो मैं क्या कर लूंगा, वापस ले लूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं किस प्रकार बांटा, तो 17 अंडा था ना दोस्तों, एक अंडा मैं और लाके दिया, तो कितना हो गया आप देखिए, अगर 17 में एक और अंडा हम देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 अंडा हो गया। अब 18 अंडा हो गया, तो देखिए पहला को क्या बोला था, 1/2 भाग देने के लिए ना, क्या बोला था दोस्तों कि 9th वाले विद्यार्थियों को 1/2 भाग, तो इसका 1/2 भाग करेंगे तो दोस्तों इसको कितना हो जाएगा, 2 9 18, तो इसको कितना अंडा आपको मिलेगा, 9 अंडा मिल जाएगा, कितना अंडा मिल जाएगा दोस्तों, 9 अंडा मिल जाएगा ना दोस्तों। अब देखिए 8th वाले को क्या कहा, 1/3 भागना, तो 3 6 18 मतलब 18 का 1/3, तो 3 6 18, तो इसको 6 मिल जाएगा, इसको कितना मिल जाएगा, 1/9 है, तो 9 2 18, इसको जो है सो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा दोस्तों।
तो आप देख सकते हो दोस्तों कि नाइन्थ वाले विद्यार्थी को आपको 9 मिला और एट वाले विद्यार्थी को आपको कितना मिला दोस्तों 6 मिला और सेवन्थ वाले विद्यार्थी को कितना मिला दोस्तों 2 मिला, जबकि हम केवल एक अंडा एक्स्ट्रा लाया है। तो आप जो है सो ऐड कर लीजिए इसको दोस्तों, तो अगर आप ऐड करोगे तो 9 × 6 = 17, 9 × 6 = 17 देखिए 17 इसका पुर गया और अब मैं अपना अंडा क्या कर लिया दोस्तों निकाल लिया और वहाँ से चल दिया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस तरह का जो है सो क्वेश्चन आप इस प्रकार क्या कर सकते हो दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार सॉल्व किया। 17 अंडा था ना, वो बोला कि आप अंडा नहीं दे सकते हो नहीं तो आप मार दोगे, तो मैं कहा कि कुछ ही समय के लिए मैं आपको एक अंडा देता हूँ फिर मैं वापस ले लूँगा। एक दे दिया 18 हो गया। इसके बाद मैं कैलकुलेशन किया, मतलब 18 × 1 = 2 तो कितना मिल गया, 1 को 9, 1 को 6, 1 को कितना दोस्तों 2। आप इसको जो है सो आप ऐड कीजिएगा तो 17 फूट जाएगा और मैं अपना अंडा निकाल लिया और वहाँ से चल दिया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे अगर कोई पूछे अगर दोस्तों तो इसी प्रकार आपको दिमाग लगाना है। हो सकता था जो अगर कोई आपसे पूछ देता कि मतलब भैंस वाला गाय वाला क्वेश्चन, इसी प्रकार में जो है सो भैंस वाला गाय वाला क्वेश्चन सब भी जो है सो आता रहता है, क्योंकि आप भैंस को काट नहीं सकते हो या गाय को आप काट नहीं सकते हो दोस्तों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको इसी प्रकार क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।